Dear parents and dear students, welcome to erudite School of Learning, fateh Nagar. Mobile number 7568077458. Class sixth, subject Science, Chemistry, chapter number six and lecture number two. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए टुडे इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पेज एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द सोर्स ऑफ वाटर दैट मीन्स फ्रॉम वेयर वी गेट द वाटर सोर्स ऑफ वाटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका मतलब ये कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है Water cover over 70% of the Earth's surface. However, only 3% is the fresh water, out of which 77% is the frozen in glacier and the polar caps. The remaining unfrozen fresh water is mainly found as the groundwater, with only a small fraction present above the ground or in the air. As we have studied in our previous lecture, that 71 to 70 percent earth surface cover with the water, but out of that 70 percent, only 3 percent is fresh water. Fresh present as a fresh water. That means fresh water means which is, uh, which is uh, used by the living organism or the humans. But out of this fresh water, 3% of the fresh water, 77% is present in the frozen form, like that, the glaciers and the ice caps. And remaining out of three uh, remaining than the 77%, the fresh water is found in the groundwater and also some small fraction in the water in the air as a water vapor. जैसा कि आप जानते हैं सेवेंटी परसेंट हमारी अर्थ किससे कवर है वाटर से कवर है लेकिन सेवेंटी परसेंट में से ओनली थ्री परसेंट ही क्या है फ्रेश वाटर एज अ फ्रेश वाटर अवेलेबल है फ्रेश वाटर का मतलब होता है जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन क्या कर सकते यूज़ कर सकते हैं उन्हें हम कहते उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर लेकिन इस तीन परसेंट में से भी सेवेंटी सेवन परसेंट तो ग्लेशियर बड़े बड़े बर्फ़ के जो पहाड़ होते पोलर रीजन में नॉर्थ पोल साउथ पोल या एंटार्टिका या जो भी कोल्ड रीजन होता है वहाँ पे 77% परसेंट तो वाटर फ्रेश वाटर कैसे प्रेजेंट है फ्रोजन फॉर्म में जमे हुए फॉर्म में प्रेजेंट है और जो बाकी बच जाता है वो फ्रेश वाटर एज अ ग्राउंड वाटर हमें मिलता है जिसे हम कुआ खोद के या ट्यूबवेल खोद के हम निकालते हैंडपम्प के थ्रू निकालते हैं और जिसे हम यूज़ करते हैं पीने लायक और कुछ पार्ट क्या है एटमॉस्फेयर में एज अ वाटर वेपर प्रेजेंट है फर्स्ट रेन वाटर द मेन सोर्स ऑफ द वाटर इज रेन व्हेन द वाटर वेपर इज द एयर कंडेंसेज वी एक्सपीरियंस रेन रेन वाटर इज द प्योरेस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर, वन व्हेन इट गेट मिक्स्ड विद द डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर बिकम पॉल्यूटेड एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड as you know the main source of the water or the water where we get is the rain and when the water vapor evaporated from the oceans river lakes and get condensed higher in the atmosphere due to the less pressure it form the this that water vapor form the liquid uh, convert into the next phase this is liquid phase and fall on the ground

सारे जो ओशन रिवर या ग्राउंड वाटर है वहाँ पे पानी कहाँ से आता है रेन से ही आता है रेन कैसे बनती है जब वाटर वेपर ई वेपोरेट सॉरी जब वाटर ई वेपोरेट होता है वाटर वेपर में ऊपर जब एटमॉस्फेयर में जाता है वाटर वेपर बहुत सारी वाटर वेपर आपस में कंडेंस हो जाती है टेम्परेचर कम होने के वजह से क्या हो जाती है लिक्विड क्लाउड बनाती है फिर वही क्लाउड वाटर को एज ए लिक्विड फॉर्म में रेन फॉर्म रेन के फॉर्म में नीचे बेचता है रेन वाटर क्या है सबसे प्योर फॉर्म है वाटर का सबसे शुद्ध फॉर्म है लेकिन आजकल जैसे कि हमारे एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है एयर क्या हो रही है पॉल्यूटेड होती जा रही है एटमोसफियर खराब होता जा रहा है तो जैसे ही रेन वाटर इन डस्ट और इम्प्यूरिटी के साथ कांटेक्ट में आता है इसके साथ मिक्स होकर रेन वाटर भी क्या हो जाता है पॉल्यूटेड हो जाता है Next is groundwater. When it's rain, a part of the rain evaporated back in the atmosphere, another part forms streams or river. And the remaining percolates percolate means to get filtered into the ground to form the groundwater. As the water passes through several layers of the sands, rocks, it gets naturally filtered and gets free from the suspended impurities. About 30% of the total fresh water found on the earth exits as a groundwater we can obtain groundwater by digging wells and tube wells. pollution, seawater contamination and overuse threaten this valuable resources. next is groundwater. that means water present below the earth's surface. when it's rain, when it's rain on the earth, on the ground, most of the water, rainwater flows in the river or sea or mostly it gets evaporated again in the atmosphere but some part of the water gets down gets go into the ground in below the earth surface and form the groundwater as the water passes through the several layer that means uh, you know very well that in the ground there are various layer of the soil sand various type of the particles various type different types of the stone particles when it get filter the water when passes through this several layer it naturally get filter that means the insoluble insoluble impurities get apart from that water when it passes through the ground or different layer of the stones or the sand particles and finally it go underground and about the 30% of the fresh water, that means most, uh, the highest source of the fresh water, which is we can used by, which can be used by the humans or the living organism, is present as the groundwater. And we can obtain the groundwater by digging wells, tube wells by using the hand pumps. But now, due to the increase in pollutions, this water also. get the level of the वाटर ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट डिक्रीज day बाय दे ड्यू टू द ओवर यूज नेक्स्ट हमारा है ground water. जैसा कि आप सब जानते हैं जैसे ही रेन होती है तो कुछ part जो पानी का जो rain के form में हमारी earth या ground पर आया है कुछ part तो क्या होता है फिर से हीट और सनलाइट के कारण एटमोसफेयर में ईवेपोरेट हो जाता है लेकिन कुछ पार्ट जो होता है वो क्या बनाता है नदी नाले ये सब बनाता है और कुछ पार्ट जो होता है पानी का वो क्या होता है ज़मीन के नीचे चला जाता है और जो पार्ट और जो पानी ज़मीन के नीचे गया है वो क्या बनाता है ग्राउंड वाटर जैसा आप सब जानते हैं ज़मीन के नीचे बहुत सारी अलग अलग तरह की मिट्टी होती है छोटे मोटे सैंड स्टोन्स पार्टिकल्स होते हैं जैसे ही वाटर इन सब लेयर्स के थ्रू हमने सॉइल प्रोफाइल फिफ्थ क्लास में पढ़ा था अलग अलग जगह पे या अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग सेंड पार्टिकल्स या अलग अलग टाइप की सॉइल्स पाई जाती है जब वाटर इन सब के थ्रू फिल्टर होके लास्ट ग्राउंड ग्राउंड वाटर तक पहुँचता है अंदर डीपेस्ट लेयर तक पहुँचता है अर्थ में तब तक क्या होता है अलग अलग लेयर्स के थ्रू पास होने के कारण वो ऑलरेडी क्या हो जाता है नेचुरली फिल्टर हो जाता है दैट मीन्स अगर उसके अंदर कुछ इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ होगी तो वो सैंड और रॉक्स पार्टिकल के थ्रू क्या हो जाएगी ऑलरेडी उससे उसमें से बाहर निकल जाएगी थर्टी परसेंट फ्रेश वाटर किस रूप में पाया जाता है ग्राउंड वाटर के रूप में और ग्राउंड वाटर आप कैसे पा सकते हो या तो कुएं के थ्रू या ट्यूबवेल्स या हैंडपम्प के थ्रू आप ग्राउंड वाटर को यूज करने के लिए बाहर निकाल सकते हैं लेकिन आजकल पॉल्यूशन होने की वजह से और अननेसेसरी वाटर का ओवर यूज होने की वजह से ये क्या है ग्राउंड वाटर भी क्या हो रहा है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है नेक्स्ट सोर्स इज सरफेस वाटर सोर्स ऑफ द सर्फेस वाटर इंक्लूड ऑल वाटर कलेक्टेड अबॉफ द ग्राउंड Such as rivers, lake, ponds, and ocean, the water body usually get their supply of water from the rainwater as well as melting snow. Some source of surface water also fed by the underground aquifers. Sorry, aquifers. Surface water accounts for 80% of the water we use. Next is surface water. That means present above the earth surface or present on the earth surface the source this surface water include all the water which is present above the ground such as like river lakes ponds ocean these are the source of surface water surface means the flow of the earth the water body usually get refilled by the rain whenever it is rainfall the water level increases and also when the snow melt and it convert into water form and convert into liquid form it gets refilled so the source of the surface water is the rainwater some of the surface water also fed by the underground aquifers that means aquifers means the water present at uh, in the groundwater that is known as groundwater aquifers the water present in the ground in the in between the largest rock particles that is known as aquifers that means this aquifer also refilled sometime also at some place where it come out from the underground also refills the surface water and surface water covers 80% of the water नेक्स्ट सोर्स क्या है हमारा सरफेस वाटर सरफेस वाटर का मतलब क्या होता है हमारे अर्थ पे ऊपर या हमारी जमीन के ऊपर जो भी पानी है उसे हम कहते हैं सरफेस वाटर जैसे समुद्र रिवर लेक्स ये क्या है सब अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है इस वजह से इन सबको क्या कहते हैं सरफेस वाटर सर्फेस वाटर का मेन सोर्स क्या है रेन वाटर या पिघलता हुआ बर्फ़ जब बर्फ़ पिघलता है तो किस में कन्वर्ट होता है लिक्विड और सरफेस वाटर किससे रिफिल होता है रेन वाटर से या पिघलते हुए स्नो से कभी कभी सरफेस वाटर का सोर्स कौन बन जाता है अंडरग्राउंड एक्वीफर्स एक्वीफर्स का मतलब होता है जो अंडरग्राउंड जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एक्वीफर्स जिसे बड़े बड़े हम जैसे ही अर्थ के और डिप में जाएंगे और गहराई में जाएंगे हमें क्या मिलेंगे बड़े बड़े रॉक्स पार्टिकल्स मिलेंगे पत्थर मिलेंगे उन पत्थरों के बीच में जो पानी प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कभी कभी ये एक्वीफर्स कहीं ना कहीं किसी जगह से बाहर आ जाता है जैसे कहीं जमीन में से कहीं से पानी बाहर आ रहा है तो कभी कभी सोर्स वाटर सरफेस वाटर भी इससे रिफ़िल हो जाते हैं सरफेस वाटर कितना कवर करता है एट्टी परसेंट ऑफ द वाटर वी यूज दैट मीन्स अस्सी परसेंट पानी हम सरफेस वाटर का यूज करते हैं नेक्स्ट इज ओशन वाटर द रिवर फ्लो इन टू ओशन एंड दस रिवर वाटर इज द सोर्स ऑफ द वाटर फॉर द ओशन। ऑल दो ओशन वाटर मेकअप नाइंटी सेवन परसेंट ऑफ द एंटायर वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड इट इज़ नॉट अ वायबल सोर्स ऑफ पॉर्टेबल वाटर सिंस कंटेन सॉल्ट एंड अदर Ocean water means present in water present in the sea. As you know that all the rivers finally merge into the ocean, so the source for the ocean water is the all the rivers because all the rivers on the earth finally get goes and merge into the ocean. Ninety-seven percent of the earth surface covered by the ocean, and it is not viable. That means it is इट कैन बी यूज फॉर बी फॉर द ह्यूमन कंजप्शन और बाय द लिविंग बींग्स बिकॉज इट्स टू सॉल्टी सिंस इट्स बिकॉज इट कंटेन सॉल्ट एंड मैनी इम्प्योरिटीज़ नेक्स्ट हमारा सोर्स क्या है ओशन वाटर है जैसा कि आप जानते हैं अर्थ पे जितनी भी नदियाँ हैं फाइनली जाके किस में मिल जाती है सारे समुद्र में मिल जाती है तो हम कह सकते हैं ओशन का मेन सोर्स क्या हो गया रिवर नदियाँ हो गई और समुद्र अर्थ पर 97% परसेंट एरिया कवर करते हैं मतलब ज़्यादातर पानी समुद्र में ही प्रेजेंट है समुद्र का पानी हम यूज़ नहीं कर सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन अपने लिए यूज़ पीने के लिए या किसी भी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है सॉल्ट नमक और बहुत सारी और भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है नेक्स्ट इज़ आइस कैप एंड द ग्लेशियर about 70% of the small amount of fresh water present in locked in the glaciers and ice cap saichan glacier in india is an example of glacier that 3% is only present as a fresh water and out of 3% 70% fresh water is present in the frozen form that is in glacier the glacier and the ice cap

बर्फ़ के पहाड़ वहीं आइस कैप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के टुकड़े या परत के रूप में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम आइस कैप्स कहते हैं साइचिन ग्लेशियर हमारे इंडिया में प्रेजेंट है जो किसका एग्जाम्पल है ग्लेशियर का नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ वाटर water is a compound it constitute element are hydrogen and oxygen water is a stable compound but it can be broken into hydrogen and oxygen when electric current is passed through it its chemical formula is h2o and the ratio between the hydrogen and oxygen in water is 1 by 8 mass as you know very well that the formula of the water is h2o and h2o is a compound because it is formed by the combination of the hydrogen element and the oxygen element water is stable that means can't be broken down into hydrogen and oxygen again but if you pass the electric current in the water it will break down in the hydrogen element in the oxygen element and its formalized as to so the by the mass hydrogen is hydrogen and the oxygen is present in the ratio by 1 raised to 8 hydrogen molecular mass is 1 and two atom is present so 1 into 2 2 and 16 uh, molecular mass of oxygen is 16 so 2 raised to 16 and when you simplify it you will get 1 raised to 8 so this is ratio and in this ratio the water molecule is formed water molecule जैसा सब आप सब आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल क्या है एच टू ओ जिसका फॉर्मूला एच टू हो है और एच टू क्या कंपाउंड है क्योंकि ये किससे मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिल के बना है वाटर एक स्टेबल कंपाउंड है दैट मीन्स आप उसको आगे या फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते लेकिन अगर आप आ, पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तब वो किस में चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट में अलग अलग टूट जाएगा वाटर का फॉर्मूला जैसा सब आपको पता है H2O है तो ये मॉलिकुलर मास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है वन रेस टू एट दैट मीन्स दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम क्या हो गया ऑक्सीजन का अब हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास कितना होता है वन होता है दो एटम प्रेजेंट है इसका मतलब वन इंटू टू रेस टू ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास होता है 16 तो 2 रेस टू 16 अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 वन ज टू एंड टू एट 16 सो वन रेस टू एट आपके पास रेशियो आ जाएगा और इस रेशियो में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है सो हेयर वी कंप्लीट आवर लेक्चर एंड द होमवर्क इज क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सिक्स एंड लेक्चर नंबर टू एंड द परकोलेट मीन्स रिसना और टू गेट फिल्टर नोट्स एंड योर डेली होमवर्क बिफोर नाइन ओ क्लॉक एवरीडे इन अ गुड हैंड राइटिंग ऑन द व्हाट्सअप नंबर सेवन फाइव सिक्स एट जीरो सेवन सेवन फोर फाइव एट नोट डेली नौ बजे से पहले आपको अपना होमवर्क स्कूल के व्हाट्सअप नंबर सेवन फाइव सिक्स एट जीरो सेवन सेवन फोर फाइव एट पे गुड हैंड राइटिंग में रफ नोटबुक में करके सेंड करना है थैंक यू टिल देन अ नाइस डे